हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फिगर आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की फिगर बुक के अंदर बनी हुई है। ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बिल्कुल रेगुलर ऑक्टागन की शेप का है। ऑक्टागन वो होता है जिसके अंदर 8 साइड्स होती हैं, और रेगुलर अगर लिखा हो इसके अंदर तो रेगुलर का मतलब ये हो गया कि सारी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सेम ही होंगी। फिगर देखिए, इसकी जो एक साइड है वो 5 मीटर है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी और ये भी, सारी साइड्स इसकी 5 मीटर की ही होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो ये जो दिया हुआ है आपको, इसका आपको एरिया निकालना है। अब इसमें साइड तो दे रखी है, लेकिन इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि इस वर्टिसिस से इस वर्टिसिस तक कि ये लेंथ भी दे रखी है, ये 11 मीटर है, और यहाँ से और इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी दिया हुआ है, ये 4 मीटर है। तो ये निकालने में, एरिया निकालने में आपका यूज़ करेंगे। अब डायरेक्ट ऑक्टागनल का एरिया निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे अलग शेप्स में। देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको इस वर्टिसिस को भी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरा ये ऑक्टागनल जो प्लेटफॉर्म है ये 3 शेप्स के अंदर डिवाइड हो गया। और वो 3 शेप्स क्या हैं? एक तो ये नंबर 1 हो गया, ये ट्रेपीजियम है। नंबर 2 ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और नंबर 3 ये जो है ये फिर से एक ट्रेपीजियम बन गया। अब ये जो दोनों ट्रेपीजियम है ना, इनका साइज एग्जैक्टली सेम ही होगा, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतना ही ये है, और जितना हाइट ये है ट्रेपीजियम की 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर है। यहां से यहां भी ये 4 ही होगा, क्योंकि सारा ये रेगुलर ऑक्टागनल है। तो अगर टोटल का इसका एरिया निकालना है तो उसके अंदर 2 तो ट्रेपीजियम जुड़ जाएंगे और एक ये रेक्टेंगल जुड़ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, पहले मैं 2 लगा लेता हूं क्योंकि 2 का निकालना है मुझे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, और यहां पे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ट्रेपीजियम पे आते हैं। ट्रेपीजियम में बेस 1 और बेस 2 हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए, ये जो साइड है ये सारी मैंने बताई ना आपको 5 मीटर है, तो ये भी 5 होगी, और यहाँ पे ये दे रखा है बुक वाले ने 11 मीटर, तो इसके अंदर बेस 1 और बेस 2 को आप 5 और 11 ले लेना, 5 मीटर और 11 मीटर। और हाइट ट्रेपीजियम की जो दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है, तो हाइट होगी इसके अंदर 4 मीटर। तो यहाँ 2 से तो 2 कट गया, ये हाइट की जगह लेंगे 4 इंटू बेस 1 बेस 2 यानी कि 5 प्लस 11। आगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ रेक्टेंगल की साफ साफ दिख रही है 11 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो यही तो है जो इसकी साइड है ऑक्टागनल फिगर की 5 मीटर, तो लेंथ हो गई 11 और ब्रेथ तो होगी 5। अब सॉल्व करें तो 4 इंटू 11 और 5 को ऐड किया तो 16 आ गया। यहाँ पे 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। 16 फोर जार 64 होता है, और ये प्लस 55 हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 119 आ गया। और ये जो चल रहा है ये एरिया चल रहा है, और मीटर में है क्वेश्चन, तो मीटर का स्क्वायर, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। तो इस फिगर का एरिया निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ट्रेपीजियम हो जाएंगे, उनका एरिया, बीच में रेक्टेंगल है इनका एरिया। आंसर रेडी। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।